अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं लिंसी को वेडिंग ड्रेस में, वो और उसके फ्रेंड हीमन ग्रूम का वेट कर रहे थे। तभी 5 हैंडसम लड़कों की एंट्री होती है, बट गार्ड्स को देख ग्रूम अपनी ब्राइड को लेके भाग पड़ता है। पर ये सब चल के रहा है तो चलो सीन रिवर्स करते हैं। 8 साल पहले लिंसी एक लड़के से जाकर हेलो करती है कि तुम ही जुनसिंग हो ना? वो हाँ करता है तो वो एकदम उसे हक कर लेती है। जुनसिंग वाज लाइक, कौन हो तुम? फालतू में गले पड़ रही हो। क्लास टीचर ट्रांसफर स्टूडेंट्स को ले गया। इनफैक्ट लिंसी स्कूल में जुनसिंग का बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए ट्रांसफर हुई और उसके साथ बैठने को कहती है, बट जुनसिंग रूडली मना कर देता है। पर कोई और सीट नहीं थी तो टीचर उसे उसके साथ बैठने को बोल देती हैं। जैसे वो दोनों नीचे पड़ा पेन उठाने लगे थे, उनकी टकली ठुक जाती है। क्लास टीचर के कहने पे वो उसे स्कूल दिखाने तो नहीं पर भगा रहा था। लिंसी पूछती है, क्या तुम्हें मेरे लिए कोई स्पेशल फीलिंग है? जुनसिंग कहता है, क्या पगलैट हरकतें करना तुम्हारी हॉबी है? और बेल बजते ही भाग पड़ता है क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाली थी। लिंसी से बुक्स भी खर्च आती हैं तो वो उठवाने लगा था। वो थैंक यू करती है पर वो कहता है, अब देखना मैथ्स टीचर के हाल करेंगे। वो दोनों सही से मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, बट मैथ्स टीचर पहले तो क्लैपिंग करते हैं बट फिर क्लास से आउट क्योंकि दोनों क्लास में लेट थे। एक तो जुनसिंग लिंसी की वजह से फालतू में पनिश हुआ, ऊपर से वो अपने साथ साथ उसे भी भड़का लेती है। बट उसकी टी शर्ट उतर गई थी तो इसलिए गुस्से में था। लिंसी पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है, तुम कहीं का छोड़ोगी तभी तो ठीक होऊंगा। लिंसी उसे फ्रेंडशिप करने को कहती है बट वो कहता है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? वो कहती है, हाँ पर नहीं, थोड़ा मुश्किल है बताना। वो कहता है, तो मत बताओ, मुझे तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना। लिंसी कहती है, तो बताओ ऐसा क्या करूँ कि तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ? तुम जो शर्त कहोगे मैं मानूंगी, पर अगर फेल हो गई तो तुम्हारा पीछे छोड़ दूंगी। जुनसिंग कहता है, ओके। पहली शर्त, गिरे हुए पत्ते आसमान में उड़ने चाहिए। दूसरी शर्त, तारे जमीन पर हों। बेल बजती है, मैथ्स टीचर जाते हैं तो कहता है, तीसरी शर्त, मैथ्स टीचर की हेयर भी घटानी है। एंग कहता है, बाकी सब तो ठीक था पर तू मेरे डैड को गंजा कैसे बोल सकता है? सब स्टूडेंट्स देखते हैं सूखे हुए पत्ते बैलून से बनकर उड़ रहे हैं जो लिंसी कर रही थी। वो कहता है, बैलून्स का यूज नहीं करना था। लिंसी कहती है, पर पहले तो नहीं बताया। अब तो पहली शर्त पूरी हो गई और उसे पकड़ के स्पोर्ट्स रूम में ले आती है और अंधेरे में उसकी आइस बंद करा देती है। वहाँ पे ग्लास में रखे स्पार्क्स तारों की तरह चमक रहे थे क्योंकि रियल तारे तो मिलने नहीं वाले, यानी दूसरी शर्त पूरी हुई। जुनसिंग कहता है, मेरा फ्रेंड बनने का कोई फायदा नहीं, बट वो कहती है, ये मेरी विश है। येमिन जो लिंसी की फ्रेंड बन जाती है बताती है कि तीसरी शर्त सुन के लग रहा है जुनसिंग जरूर तुझे स्कूल से बाहर फेंकवाएगा। स्कूल में गेस्ट आने वाले थे तो सब सफाई कर रहे थे। लिंसी उसे तीसरी शर्त बदलने को कहती है, जिसके बदले में मैं फर्श को भी चमका दूंगी। वो कहता है, कुछ भी कर लो पर तीसरी शर्त नहीं बदलने वाली। बट वो पोछा लगा रही थी। एंग ह्यूमन को सफाई करने को बोलता है बट वो कहती है, मुझे पीरियड्स पेन हो रहा है। एंग कहता है, पर पीरियड्स तो तुम्हें पिछले हफ्ते पीटी क्लास में भी हुए थे। तो ये मैंने उसे मारने भागती है। मैथ्स टीचर गेस्ट को स्कूल दिखा रहे थे। लिंसी और जुनसिंग बैनर देख रहे थे पर वो दोनों भागे आते हैं, जिससे एंग पोछा लगे फर्श पे रपटता हुआ लिंसी को टकराने वाला था पर जुनसिंग बैनर फेंक के लिंसी को पकड़ लेता है और बैनर उड़ के गेस्ट और मैथ्स टीचर के टकली पर, जिससे उन दोनों की ही हेयर भी गुदर जाती है। कांड करके बच्चे छुप जाते हैं। पर जो भी हो, तीसरी शर्त तो पूरी हो गई थी। मैथ्स टीचर पूरी क्लास को सता देने वाले थे तो जुनसिंग अपनी गलती मान लेता है और लिंसी भी, और फिर से दोनों क्लास से आउट तो पनिशमेंट मिलती है। लिंसी कहती है, अब तो मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना। ही वाज लाइक, पहले दिन में ही क्लास से 2 बार आउट, तो अब और क्या चाहिए? वो कहती है, प्रॉमिस, अब से कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तभी एंग और यमिन आकर बताते हैं, स्कूल में तुम दोनों के चक्कर चलने की बातें फैल रही हैं। उसे गुस्से में देख वो कहती है, टेंशन मत लो, र्यूमर्स तो एकदम खत्म हो जाएंगे। मैथ्स टीचर के कहने पे वो दोनों बैनर्स गिरने वाली बात के लिए सॉरी बोलने लाउडस्पीकर पे जाते हैं तो जुनसिंग कहता है, मेरी और इसकी र्यूमर छूटी है, हम में कुछ भी नहीं है। लिंसी कहती है, जुनसिंग, भले तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। गॉड ने मुझे तुमसे मिलने के एक और चांस दिया। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पास्ट में हम देखते हैं लिंसी के ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया था तो उन्होंने उसका हार्ट डोनेट कर दिया था, बट जुनसिंग भागकर स्पीकर बंद कर देता है पर वो रो रही थी तो कहता है ये लड़की पगलैट है क्या। और घर आता है तो उसे देख डर गया था, बट तुम मेरे घर में कैसे। पता चलता है जुन सिंह की मॉम लिंसी की आंटी है, जो पूछती है स्कूल में पहला दिन कैसा था। वो अच्छा बताती है, पर जुन सिंह कहता है पहले दिन ही स्कूल में आतंक मचा दिया। मॉम बताती है कि लिंसी अब उन्हीं के घर रहेगी। जुन सिंह मना करता है तो कहती है लिंसी की फैमिली का हम पे बहुत बड़ा एहसान है और तुम्हें अब से लिंसी का ख्याल रखना है। पास्ट में लिंसी ने अपने मॉम डैड को बातें करते सुन लिया था कि उनके बेटे का हार्ट आंटी के बेटे को डोनेट हुआ था। जुन सिंह का छोटा भाई लूची डैड के साथ फॉरेन गया था, इसलिए वो लूची के रूम में रहने वाली थी। जुन सिंह जब नहाना था तो लिंसी गेट खोल देती है और दोनों चिल्ला पड़ते हैं। वो कहती है सॉरी पर मैंने कुछ भी नहीं देखा, जबकि वो गुस्से में था। और फिर बताती है कि तुमने उल्टी टी शर्ट पहन ली। वो कहता है ऐसे फैशन है। शी वाज लाइक क्या मुझे फैशन की बिल्कुल सेंस नहीं है। बट जुन सिंह गुस्से से टी शर्ट बदलने जाता है। रात में लिंसी कहती है मुझसे फ्रेंडशिप कर लो जुन सिंह, आई लव यू। तो वो डर के मारे सपने से उठ जाता है और पानी पीने किचन में आता है, पर वहाँ पे भूत देख चिल्ला पड़ता है। जबकि मॉम अपना मस्त सो रही थी, बट वो भूत नहीं लिंसी निकलती है। तो वो गुस्से से जाने लगता है। वो कहती है तुमने गलती से टोमेटो सॉस उठा ली। वो कहता है मैं टोमेटो सॉस ही लेने आया था। फ्रेंड बनने के बजाय लिंसी ने तो जुन सिंह को अपना दुश्मनी बना लिया था, तो अब उनमें फ्रेंडशिप कैसे होगी। मॉर्निंग में वो टूथपेस्ट की जगह गलती से लिंसी के फेस वॉश से ब्रश कर लेता है। मॉम उसे लिंसी को वन पीस में ही स्कूल पहुंचाने को बोलकर काम पे चली जाती हैं। जब वो साइकिल पे बैठने लगी थी, बट वो कहता है उठो मैं नहीं चाहता स्कूल में किसी को पता चले कि हम साथ में रहते हैं, समझी। और हाँ बस से आ जाना। फिर लिंसी देखती है एक लड़की यून जुन सिंह से क्वेश्चन पूछ रही है, तो यून बताती है कि जुन सिंह स्कूल का बहुत फेमस लड़का है क्योंकि वो हैंडसम जीनियस रूट सब कुछ है। बट उसे जुन सिंह के साथ बैठा देख यून घूरती है। क्लास टीचर बताती है कि सेल की स्पीच के लिए 6 बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो पढ़ाई से बचने के लिए एंग और यून हाथ खड़ा कर लेते हैं। जुन सिंह पार्टिसिपेट कर रहा था तो यून भी अपना नाम लिखवा देती है। और फिर लिंसी भी। उन्हें स्पीच के द्वारा शो करना था कि सेल कैसे वर्क करता है। यून विलन बनती है, जुन सिंह व्हाइट ब्लड सेल, तो यून रेड ब्लड सेल बनने को कहती है क्योंकि शो के लास्ट में व्हाइट और रेड ब्लड सेल हक करेंगे। लिंसी कहती है रेड ब्लड सेल एंग बनेगा, पर यून जिद कर रही थी तो सबके वोट करने पे एंग को ही रेड ब्लड सेल चूज कर लिया जाता है। क्लास ओवर होने के बाद यून लिंसी को झूठ बोल देती है कि रात को जुन सिंह ने सबको प्रैक्टिस के लिए बुलाया है, तो वो स्कूल में अकेली बैठी सबका वेट कर रही थी। इधर मॉम को टेंशन होती है कि लिंसी अभी तक घर नहीं आई, उसका फोन भी घर रखा है, कहीं उसे कोई बैड बॉय तो नहीं मिल गया। तो वो जुन सिंह को उसे ढूंढने भेजती है। इधर लिंसी देखती है कि अभी तक कोई भी नहीं आया, यानी उसका पोपट बना है। पर वहाँ गार्ड्स को देख एक लड़का जुन सिंह को पकड़ के छुपा लेता है, बट वो उसके काट देती है। कौन हो तुम। वो कहता है तुम स्कूल में नहीं हो क्या। लिंसी कहती है पर तुम्हें कैसे पता। वो कहता है अरे स्कूल में सब अपन से डरते हैं, पर तुम नहीं डरी। अब उनका नाम काय है, 8 क्लास का स्टूडेंट, और दोनों हेलो करते हैं। वो पूछती है पर गार्ड्स तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। काय कहता है गार्ड स्कूल के बैड बॉय के पीछे तो पड़ेंगे, और उसे लेकर भाग पड़ता है। गार्ड्स उनके पीछे, बट वो छुप के बच जाते हैं। काय कहता है चलो फ्रेंड्स बनते हैं। वो कहती है पर मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी फ्रेंड मान लिया, अभी मैं लेट हूँ, घर पे सबको टेंशन हो रही होगी। और जाने लगती है, पर देखती है कि जुन सिंह उसका वेट कर रहा है, बट वो उसे डांटता है। तो वो उसे बताने लगती है कि मुझे उस यून ने बुद्धू बनाया। वो कहता है चुप भी करो अब, शट अप। लिंसी को याद आता है कि उसका ब्रदर भी यही शब्द बोलता था, तो वो उसे फिर से डायलॉग रिपीट करने को कहती है, बट वो नहीं बोलता। नेक्स्ट डे वो यून की सीट को देख स्माइल कर रही थी। जैसे यून बैठती है, उसकी सीट से अजीब सी आवाज सुन सब हंस पड़ते हैं, क्योंकि लिंसी से पंगा लेना इतना आसान नहीं। एंग से रेड ब्लड सेल के डायलॉग्स याद नहीं हो रहे थे, तो वो पेपर फाड़ के खा जाता है। सेल की वर्किंग का शो शुरू हो जाता है, पर नर्वस होने की वजह से एंग के पेट में गड़बड़ होने लगी थी, तो अब उसकी जगह जाएगा कौन। शो में व्हाइट ब्लड सेल और नमूनिया में फाइट चल रही थी, तभी लिंसी वहाँ रेड ब्लड सेल बन के आ जाती है। वो गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है और दोनों फाइट में नमूनिया को हरा देते हैं। तो रेड ब्लड सेल यानी लिंसी भाग के जा व्हाइट ब्लड सेल जुन सिंह को हक कर लेती है, जिससे वो नर्वस था। और इसी के साथ पार्ट 1 का एंड हो जाता है। कल पार्ट 2 में हम देखेंगे लिंसी से एक्सीडेंटली जुन सिंह की हाफ पैंट उतर जाती है और उसकी येलो चड्डी सबको दिख जाती है। बिल्कुल एंड टाइम पे शो को बचाने के लिए जुन सिंह लिंसी का थैंक यू करता है। वो कहती है अब तो हम फ्रेंड्स हुए ना। ही वाज लाइक नो वे। वो मिल्क टी मांगती है तो जुनसिंग जानबूझ के उसे मिल्क और टी अलग अलग ला के देता है। वो गुस्से से वापस कर देती है, बट वो जाने लगा था तो वो उसके पीछे भागती है, पर रपटने से उसे उसकी शॉर्ट्स पैंट उतर जाती है। वो एकदम शॉक में था, बट वो कहती है क्या तुम्हें भी शिनचैन पसंद है? ही वाज लाइक हाथ हटाओ, और फिर अपनी कार्टून वाली सारी चड्डियाँ समेट रहा था क्योंकि उसने अपने छोटे भाई लूशी के कहने पे बाय की थी। पर एक चड्डी लूशी की बालकनी पे लटकी थी तो उतारने लगता है। लिंसी पूछती है क्या कर रहे हो, बट वो उसके छूने से बुड़क जाता है और सारी चड्डियाँ उड़ के उसके मुँह पे गिर जाती हैं। लिंसी कहती है तुम ठीक तो हो? वो कहता है चोट मेरे सीने में नहीं, मेरे पैर में लगी है। मेरी चड्डियाँ देख के अब तो खुश हो ना तुम? वो कहती है शर्माओ मत, मुझे भी शिनचैन और डोरेमोन पसंद है। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है। मेरा आंसर भी कमेंट में होगा। उसे हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर से कहती है ये बहुत बुरी तरह गिरा है, प्लीज इसे पूरे को चेक कर लो। पर जुनसिंग उसे बाहर भेज देता है। वो कहती है शिनचैन तो मेरे लिए श्राप बन गया। वहीं बैठा बच्चा कहता है आपको भी शिनचैन पसंद है? मुझे भी पसंद है, मुझे तो शिनचैन की एक्टिंग भी आती है। और उसे शिनचैन की तरह बमटी हिला के दिखा रहा था। जुनसिंग ये देख हैरान। वो कहती है ये अपनी मर्जी से कर रहा है, मैंने तुम्हें छिड़ाने को नहीं कहा। उस बच्चे के डैड शिनचैन को ले जाते हैं क्योंकि उस बच्चे का नाम शिनचैन है। वो कहता है अब तो तुम मुझे सच में नहीं छिड़ा रही थी है ना? ये भी एक्सीडेंट ही होगा जैसे पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ जो हो रहा है। लिंसी कहती है सॉरी सब, वैसे पैर के अलावा बाकी सब पार्ट्स तो ठीक है ना? ही वाज लाइक तो तुम चाहती हो मेरी पूरी बॉडी में फ्रैक्चर हो जाए? वो कहती है नहीं, अब से मैं 24 घंटे तक तुम्हारी पर्सनल मेट बनूंगी और तुम जो कहोगे वो करूंगी। पर डॉक्टर ने क्या कहा? पर डॉक्टर ने बताया था जुनसिंग के टांगे ठीक हैं, बट वो झूठ बोल देता है कि पैर में बहुत भयानक फ्रैक्चर हुआ है, ठीक होने में काफी दिन लगेंगे। तो लिंसी उसे पकड़ के ले जा रही थी, पर वो हंस रहा था क्योंकि वो उसके कहने पे नौकरों की तरह उसके पैरों की सेवा कर रही थी। और फिर कहता है जाओ, जब काम होगा तब बुला लूंगा। वो कहती है ओके, रेस्ट इन पीस। आई मीन जुबान फिसल गई थी, रेस्ट करो। जुनसिंग कहता है अब आएगा मजा। थकी हुई लिंसी जैसे पानी पीने लगी थी, वो उसे आवाज मार के पानी का ऑर्डर दे देता है तो वो वही ग्लास लेके भाग पड़ती है। स्कूल में भी जुनसिंग पैर दुखने का नाटक कर रहा था तो लिंसिंग उसके बदले के सारे काम कर रही थी, यहाँ तक कि उसका नीचे गिरा पेन भी खुद उठाती है। एंग सबको टीम में सफाई का काम बताता है। लिंसी उसे बाहर ले जाके उसे जुनसिंग के साथ एक टीम में करने को बोलती है। एंग कहता है मुझे पता है तुम्हारा जुनसिंग के साथ क्या करने का इरादा है। वो कहती है अरे मैं बस उस लंगड़े की हेल्प करने को बोल रही थी। जुनसिंग आकर पूछता है तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? एंग कहता है ब्रो, तूने लिंसी को अपना गुलाम कैसे बना लिया, मुझे भी बता दे। जुनसिंग कहता है पहले जाकर अपनी एक टांग तोड़वा। काय को गेम्स में बहुत सारे गोल्ड मेडल मिले थे, पर देखता है लिंसी सैड है क्योंकि उसे स्ट्रीट पोस्टर हटाने का काम मिला है। जुनसिंग तो चल नहीं सकता था, इसलिए लिंसी को ही पोस्टर हटाने थे, बट उसे सही से हट नहीं रहे थे। तो जुनसिंग उसे इजी तरीका बताता है, पर इतना सारा काम करके वो थक गई थी, इसलिए वो उसे ठूसने को ड्रमस्टिक देता है। यमन को शक होता है कि कहीं जुनसिंग ये सब नाटक करके लिंसी को बुली तो नहीं कर रहा, बट वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सच में उसका पैर तोड़ दिया। एंग कहता है ब्रो, तू एक लड़की पे इतने जुल्म क्यों उठा रहा है? वो कहता है मैंने कुछ नहीं कहा, वो खुद ही कर रही है। वहाँ पे एक कैट मिसिंग का बैनर लगा था और वो कैट ग्रैंडमा की मिमी है, तो वो सब मिलके मिमी को ढूंढने लगते हैं। मिमी पेड़ पे बैठी थी, पर एंग से पेड़ पे चढ़ा नहीं चाहता। जुनसिंग उठने वाला था, बट लिंसी उसे रोक के खुद पेड़ पे चढ़ जाती है, जबकि जुनसिंग मना कर रहा था, पर वो मिमी को सही सलामत बचा लेती है। तो जुनसिंग लिंसी को खुश देख स्माइल करता है। ग्रैंडमा मिमी के लिए उन सब का थैंक यू करती हैं। लिंसी को चोट लग गई थी तो वो उसके मेडिसिन लगा देता है, पर लिंसी को अपने ब्रदर की याद आ रही थी। उसे सोता देख वो उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है और खुद पूरी रात सारे पोस्टर हटा देता है, पर लिंसी को शक न हो इसलिए एक दो चिपका डालता है। काई अपनी टीम को फ्री खाना खिलाने के बदले पोस्टर हटाने लाया था, पर वो तो पहले से साफ थे, तो स्ट्रीट पे सफाई करवा देता है। इतनी सफाई देख लिंसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, कहीं ये सपना तो नहीं। तो वो उसके मारकर कहता है तुम सपना नहीं देख रही हो, यानी आज उन्हें कोई काम नहीं करना, तुम मस्ती करेंगे। एक अंकल चिल्लाने लगे थे किसने मेरे लगे सारे पोस्टर्स हटा दिए। लिंसी कहती है मैंने हटाए क्योंकि यहाँ पोस्टर्स लगाना मना है। तो वो अंकल उसे मारने लगे थे, पर जुनसिंग बास्केट पे लात मार के लिंसी को लेके भाग पड़ता है। अंकल पीछे भागते हैं तो एंग और यमिन उन्हें पकड़ लेते हैं, वो बच गए थे। जुनसिंग कहता है तुम हमेशा पंगा क्यों लेती रहती हो? वो कहती है तुमने क्या लात मारी थी? बट वेट, तुम्हारा तो फ्रैक्चर हुआ था ना, तो इतने तेज कैसे भाग लिए? तो जुनसिंग पैर दुखने का नाटक करता है, बट उसका झूठ तो पकड़ा गया था। यानी तुम इतने टाइम से मेरा पोपट बना रहे थे। और गुस्से से उसके पैर पे मार के चली जाती है और तो और उसके मुंह पे गेट भी बंद। झुनसिंग कहता है, मैं क्यों माफी मांगू, खुद ही मेरे पीछे पड़ी थी। लिंसी कहती है, अगर मेरे ब्रदर की बात ना होती ना तो तुझे तो मैं धूल चटा देती। फॉक्स, बताओ मैं क्या करूँ। पास्ट में हम देखते हैं ब्रदर ने उसे ये फॉक्स ला के दी थी क्योंकि वो भी फॉक्स की तरह चंड है। तो कहती है, अब देखना ये फॉक्स क्या करती है। और जुनसिंग को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है जिससे वो बहुत खुश था। बट वो येमिन को बताती है कि फॉक्स अपने रैबिट को पकड़ के छोड़ेगी। जुनसिंग उसकी कोल्ड ड्रिंक उठाने वाला था बट वो येमिन को दे देती है। येमिन कहती है, जुनसिंग तो सच में रैबिट निकला। वो दोनों भाग के जा देखती हैं, जुनसिंग रैबिट की तरह दिख रहा है तो हंस पड़ती है। एंग उसे लिंसी से माफी मांगने को कहता है बट ही वाज लाइक, मैं उसे पीछे छुड़ा के बहुत खुश हूँ। पर एंग को पता है कि वो नाटक कर रहा है। एंग बता रहा था कि बास्केटबॉल टीम बनने वाली है। ये सुन लिंसी बहुत खुश होती है तो एंग अपना सारा काम उसे दे देता है। पर कोई भी साइंस क्लास का बच्चा पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा क्योंकि स्कूल में आर्ट क्लास हमेशा बास्केटबॉल में फर्स्ट आती है, इसलिए सब साइंस वाले डरते हैं। तो लिंसी सबको चॉकलेट का लालच देकर नाम लिखवाने को कहती है। जुनसिंग को लगा वो उसके पास आएगी बट वो उसे इग्नोर करती है। एंग जुनसिंग का नाम लिखवा रहा था। वो कहती है, इसे कहाँ बास्केटबॉल आती होगी। इधर काई हर बार की तरह हर्डल रेस में फर्स्ट आता है। सब गर्ल्स उसे पानी देती हैं, बट वो सिर्फ लिंसी से बॉटल लेता है। लिंसी उसे अपनी बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने को बोलती है बट काई मना कर देता है क्योंकि वो अपनी आर्ट क्लास टीम को धोखा नहीं दे सकता। और पूछता है, तुम्हें बास्केटबॉल में इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो वो बताती है कि बास्केटबॉल मेरे ब्रदर की फेवरेट है और मैं भी उसके साथ बास्केटबॉल खेलती थी। जुनसिंग लिंसी के लिए मिल्टी लेके आया था बट उसे काई के साथ देख गुस्से से मिल्टी डस्टबिन में फेंक के चला जाता है। येमिन उसे बताती है कि हमारी क्लास की भी बास्केटबॉल टीम बन गई। जुनसिंग कैप्टन है जो बहुत बढ़िया बास्केटबॉल खेलता है, दूसरा प्लेयर चैनमो जो काफी इंटेलिजेंट है और तीसरे प्लेयर गाओ का फ्रेंड है। और एंग ने भी पार्टिसिपेट किया है। आर्ट क्लास की टीम बोलने लगती है कि मॉर्निंग में बास्केटबॉल ग्राउंड उनका है। तो काई उन्हें गोल का चैलेंज कर देता है जिसे जुनसिंग एक्सेप्ट कर लेता है। फिर क्या काई धड़ाधड़ गोल कर रहा था और फिर जुनसिंग भी। बट बेल बजते ही साइंस क्लास जाने लगी थी। काई कहता है, लिंसी मुझे चीयर करना। वो कहती है, सॉरी मैं साइंस क्लास की तरफ से हूँ तो अब से हम राइवल्स हैं, सेकंड आने के लिए तैयार रहना। पर काई तो अपने राइवल जुनसिंग को घूर रहा था। सब जुनसिंग की तारीफ करते हैं बट वो कहती है, अगर तुम्हें कोई दर्द हो तो मुझे बता देना। जबकि वो हैरान था। साइंस क्लास बहुत खुश थी पर क्लास टीचर आकर बताती है कि कोई भी बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सब पढ़ाई करेंगे। तो सब सैड होते हैं और आर्ट क्लास वाले साइंस क्लास वालों का मजाक उड़ाने लगे थे कि तुम्हें तो खेलना भी नहीं आता। एंग गुस्से में दोनों क्लास में फाइट का सुन वो भागते हैं। टीचर आकर देखते हैं वहाँ सिर्फ ब्लड पड़ा है। इधर एंग के डैड यानी मैथ्स टीचर उन्हें डांट रहे थे। जुनसिंग कहता है, हमने फाइट नहीं की। तो इसके नाक में ब्लड और उसकी आधी टी शर्ट कहाँ है। इनफेक्ट एंग उसकी टी शर्ट पकड़ के रपट गया था जिससे उसकी नाक टूटी और उसकी टी शर्ट फटी। यानी उनका सिर्फ हग हुआ था। मैथ सर कहते हैं, तो चलो फिर से हक करो वरना सजा मिलेगी। तो दोनों हक देते हैं। सब जाने लगे थे। जुनसिंग क्लास टीचर को कहता है, हमें भी बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ गेम्स भी जरूरी हैं। वो कहती हैं, अगर मैं परमिशन दे भी दूं तो तुम आर्ट क्लास को नहीं हरा पाओगे। जुनसिंग कहता है, हारना जीतना बात की बात है पर कोशिश न करना तो गलत बात है। तो लिंसी और बाकी सब भी कहने लगे थे। काई कहता है, अरे मैडम जी प्लीज दे दो ना वरना लगेगा हम इन्हें बुली कर रहे हैं। क्लास टीचर हाँ कर देती हैं। तो काई जुनसिंग को मैच का चैलेंज कर देता है। लिंसी देखती है कि उसका ब्रदर बास्केटबॉल खेल रहा है बट वो तो जुनसिंग था जो कहता है, ऐसे क्या तोड़ रही हो। लिंसी कहती है, तुम बास्केटबॉल खेलते हुए अपने हाथ पर या फिर हर्ट पे चोट मत मार लेना। जुनसिंग कहता है, क्या बक रही हो, सुनो अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी फ्रेंड बन सकती हो। लिंसी बहुत खुश होती है बट ही वाज लाइक, फ्रेंडशिप में एक पगलैट का होना भी जरूरी है। और प्रैक्टिस करने लगा था। तो लिंसी कहती है, अरे वाह आखिर फॉक्स ने रैबिट को फंसा ही लिया। फिर क्या साइंस क्लास फर्स्ट और सेकंड राउंड जीत के फाइनल्स में आ गई थी। तो इस बार होगा साइंस वर्सेस आर्ट क्लास। जुनसिंग और काई एक दूसरे को घूर रहे थे। साइंस टीम को चीयर करने के लिए लिंसी अपनी चीयर लीडिंग टीम को लेके आती है। एंग तो येमिन को देखते रह जाता है। वेल मैच स्टार्ट होता है। दोनों क्लास बढ़िया खेल रही थी। साइंस क्लास एक गोल पीछे थी पर उनके एक प्लेयर की चोट लग जाती है। तो काई उन्हें हार मानने को बोलता है क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है। लिंसी कहती है, पर मैं हूँ ना। जुनसिंग वाज लाइक, खेलना आता नहीं है तो क्यों पंगा ले रही हो। पर ऐसा तो कोई रूल नहीं था कि गर्ल्स नहीं खेल सकती। इसलिए लिंसी आ जाती है खेलने। उसे याद आता है कि उसके ब्रदर ने उसे गोल की एक ट्रिक बताई थी, तो वो बिल्कुल वैसे गोल कर देती है। सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि पहली बार साइंस टीम जीत गई थी और फिर पार्टी करते हैं। झुनसिंग पूछता है, तुम मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए इतनी उतावली क्यों थी? वो कहती है, क्योंकि तुम मेरे ब्रदर अपने अपने लगते हो। तभी बारिश होने लगती है तो वो शॉपकीपर से अम्ब्रेला मांगती है, पर उनके पास अम्ब्रेला तो नहीं था, एक रेनकोट था। इससे झुनसिंग कहता है, मुझे अच्छे से पकड़ लो वरना फिसल जाओगी। वो मना करती है पर झटका लगने पे उसे पकड़ लेती है, तो वो स्माइल करता है जबकि वो नर्वस थी। एंग येमिन को अम्ब्रेला देने पीछे भाग रहा था, पर येमिन को लगता है कि एंग को या तो उससे काम करवाना होगा या फिर पैसे मांगने आया है, इसलिए वो चली जाती है। बाल सुखाते हुए झुनसिंग का फेस देख लिंसी को हंसी आ रही थी और वो एक दूसरे पे हेयर ड्रायर चलाने लगे थे। बीमार ना हो इसलिए वो कड़वा सूप पीते हैं। तब लिंसी को पता चलता है कि झुनसिंग का कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो उसे सुधारने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट एक लड़की झुनसिंग को बुक ला के देती है जो उसे कहीं नहीं मिली थी, तो वो उसका थैंक यू करता है। इनफैक्ट वो लड़की सॉन्ग है जो झुनसिंग के डैड के फ्रेंड की बेटी है और सॉन्ग वहाँ फेस्टिवल में होस्ट करने आई थी। लिंसी भी उसे मेल होस्ट के लिए अप्लाई करने को कहती है, बट वो मना कर देता है। तो वो येमिन के पास उसका नाम लिखाने जाती है ताकि सॉन्ग और झुनसिंग फ्रेंड बन जाए, पर येमिन बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो लिंसी उसे बताती है कि मेरे ब्रदर का हार्ट झुनसिंग को डोनेट हुआ है, पर येमिन को तो ये पता ही नहीं था और वो उसे भी झुनसिंग को बताने से मना कर देती है ताकि झुनसिंग को बर्डन फील ना हो। फिर वो काय के पास सॉन्ग के बारे में इंफॉर्मेशन लेने जाती है, बट काय सैड था क्योंकि उसका बर्थडे था। तो लिंसी उसे केक लाकर बर्थडे विश करती है, वो भी हैप्पी बर्थडे सॉन्ग के साथ। तो काय बड़ा खुश होता है, पर उन दोनों को साथ में घर आता देख झुनसिंग गुस्से में था। उसे अंधेरे में बैठा देख वो डर जाती है और फिर उसे सॉन्ग के बारे में इंफॉर्मेशन देकर उसे मिलने को कहती है, बट वो कहता है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। पर उसने तो उसका फेस्टिवल में नाम लिखवा दिया था। नेक्स्ट डे पता चलता है काय ने भी अपने साथ लिंसी का नाम लिखा दिया, बट याद आता है कि उसका तो एक मैच है। सॉन्ग भी पहले डांस में बिजी थी, तो लिंसी झुनसिंग के साथ प्रैक्टिस करने को बोलती है। बातें करते करते उसे पता चलता है कि झुनसिंग को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत पसंद है और वो झुनसिंग के कहने पे अपने दिल से स्पीच लिखती है, बट ही वाज लाइक कुछ खास नहीं है। फिर वो उसे साइकिल पे ले जाता है, तो वो बड़ा खुश हो रही थी, पर लिंसी का सारा प्लान तो चौपट हो गया था। इनफैक्ट उसे और काय को सबसे ज्यादा वोट मिले थे क्योंकि काय के फ्रेंड्स ने फेक नेम से उन्हें बहुत सारे वोट कर दिए थे। तो वो दोनों अपनी गलती मानकर फेस्टिवल से रिजाइन कर देते हैं, पर उन्हें काम करने की पनिशमेंट मिलती है। उन्हें साथ में खाता देख झुनसिंग सैड होता है। फेस्टिवल को सॉन्ग और झुनसिंग होस्ट कर रहे थे और लिंसी और काय काम कर रहे थे, पर झुनसिंग लिंसी वाली स्पीच बोलता है, इसलिए लिंसी स्टेज पे उसके साथ खुद को इमेजिन कर रही थी। काय उसे सैड होने का रीजन पूछता है, तो कहती है, वो दोनों लाइमलाइट के नीचे कितने प्रिटी दिखते हैं ना। फेस्टिवल खत्म होने पे सब जाने लगे थे, तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और लिंसी के ऊपर लाइमलाइट पड़ती है। काय आकर कहता है, तुम सैड थी ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये पहले से सोचा समझा नहीं था, मैंने एकदम से डिसाइड कर लिया। मुझे बाकियों की तरह बड़ी बड़ी स्पीच देनी तो नहीं आती। तुम लाइमलाइट में हो या ना हो, मुझे तुम हमेशा ब्यूटीफुल लगती हो। और उसे कन्फेस करने वाला था, पर मैथ सर को देख सब भाग पड़ते हैं और भीड़ में झुनसिंग लिंसी को पकड़ के ले जाता है। नेक्स्ट डे अपने कांड के लिए काय को सजा मिली थी। लिंसी उसे कम्फर्ट करने आती है, बट वो तो दांत निकाल रहा था। येमिन के कहने पे लिंसी उनका फोटोशूट लेने जाने वाली थी, बट उसे कैमरा यूज करना नहीं आता, तो वो बताने लगता है और उसकी फोटो खींच लेता है, जिससे वो हैरान थी। जब वो झुनसिंग को सही से पोज देने को बोलती है, तो झुनसिंग उसे देखते रह जाता है। फिर वो चारों दो का पेयर बनकर हॉरर माइंड गेम खेलने आते हैं। सॉन्ग और झुनसिंग एक रूम में थे, तो उन्हें दूसरी साइड से लिंसी और काय के हंसने की आवाजें आ रही थी, बट एक्सीडेंटली बटन दबने से झुनसिंग और काय एक्सचेंज हो जाते हैं। झुनसिंग उसके काय के साथ हंसने वाली बात पे जेलस था, पर लिंसी को डर लगने लगता है, तो वो उसे हक्का लेता है। काय और सॉन्ग ये देख के सैड होते हैं। लिंसी भाग जाती है, पर उसे समझ में नहीं आता उसे अजीब फील क्यों हो रहा था। जब वो घर आता है तो टीवी पे फर्स्ट स्नो की न्यूज देख वो कहती है, सुना है फर्स्ट स्नो पे विश मांगने पे सारी विशेस कंप्लीट होती हैं। वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। पर वो कहती है, कोई नहीं, मैं फर्स्ट स्नो पे विश मांगूंगी। नेक्स्ट डे उन्हें एक ही घर से निकलते देख उनके फ्रेंड्स को पता चल जाता है कि वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। तो क्या तुम दोनों लवर्स हो? बट वो उन्हें सच बता देते हैं कि हम दूर के रिश्तेदार हैं। सॉन्ग लिंसी को बताती है कि मैं चाहती हूँ मेरे फॉरेन जाने से पहले जुनसिंग मेरा शो देखने आए, बट जुनसिंग ने मना कर दिया। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? बचपन में हम देखते हैं सॉन्ग हारने की वजह से रो रही थी, तो जुनसिंग ने उसे अपने ग्रमी बियर दे दिए थे, तो तभी से वो उसे वन साइडेड लाइक करती है। तो लिंसी जुनसिंग को सॉन्ग के शो में जाने को कहती है, वो मना कर देता है क्योंकि उसे शो में नींद आ जाती है। न्यू ईयर के लिए सब क्लासेस में बोर्ड कंपटीशन होने वाला था। टीचर जुनसिंग को ये काम सौंप देती है, तो लिंसी उसकी हेल्प करने को बोलती है कि अगर वो फर्स्ट आए तो बदले में जुनसिंग को सॉन्ग के शो में जाना होगा। वो कहता है हमेशा आर्ट क्लास फर्स्ट आती है, उसे हराना इतना आसान नहीं, तो तुम्हारा प्लान काम नहीं करने वाला। ऊपर से लिंसी की ड्राइंग भी बहुत बेकार है, तो वो चोरी छुपी आर्ट क्लास का बोर्ड देखने चाहती है। उसका कॉन्फिडेंस कम ना हो इसलिए काया उसे देखने से मना करता है, बट वो फिर भी उसे मार के देख लेती है, पर उसका बचा-कुचा कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। वो कहता है सैड मत हो, मैं पूरे स्कूल के बोर्ड से रेस कर दूंगा तो तुम भी फर्स्ट आओगी। लिंसी मना कर जाने लगती है, तो काया उसे अपनी स्कूटी पे बैठने को कहता है। वो उसका क्यूट सा हेलमेट पहन के बैठने वाली थी, तभी जुनसिंग भी अपनी साइकिल लेके आ जाता है। फिर क्या दोनों में लिंसी को लेके फाइट होने लगी थी कि वो किसके साथ जाएगी, बट लिंसी गुस्से से पैदल जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में लिंसी साइकिल पे और वो दोनों स्कूटी पे, बट फिर भी काया की फटफटिया लिंसी से पीछे थी। वो कहती है तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। जुनसिंग वाज लाइक मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, और लिंसी को खींच के अंदर ले जाता है। लिंसी बोर्ड पे ड्रॉ करते करते सो गई थी, तो उसे देखने लगता है और स्माइल कर रहा था। केमिस्ट्री लैब में येलो सोल्यूशन को देख लिंसी को एक आइडिया आता है, तो वो ड्रॉ करने के बाद उसे बोर्ड में दिखाती है, कितना चमक रहा है ना। बट उसके क्लोज होने पे नर्वस होती है। बोर्ड की ड्राइंग कंप्लीट हो गई थी और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, इस वजह से उनकी क्लास फर्स्ट आती है, जबकि काया की क्लास लास्ट, क्योंकि काया ने बोर्ड पे पिक का पोस्टर लगा दिया था। जो भी हो, जुनसिंग को अब सॉन्ग के शो पे जाना होगा। पर लिंसी कहती है ये मेरा ही तो प्लान था, तो मैं सैड क्यों हो रही हूँ, और बुड़क जाती है। फिर वो दोनों सॉन्ग के लिए गिफ्ट लेने आते हैं। लिंसी एक स्कार्फ को उठा के कहती है ये अगली है पर कितना क्यूट है ना। पर सॉन्ग को तो ब्रांडेड चीजें पसंद है, इसलिए वो स्कार्फ नहीं लेती और जुनसिंग को भगा देती है। वो सैड था पर फिर भी सॉन्ग से मिलने जाना पड़ता है। पता चलता है सॉन्ग ने अब्रॉड जाने का झूठ बोला था, वो तो जुनसिंग के साथ डेट पे जाना चाहती थी, बट जुनसिंग उसे सिर्फ अपनी फ्रेंड मानता है और हैप्पी न्यू ईयर बोल के चला जाता है। यिमिन लिंसी को बताती है कि एंग ने मेरी मॉम को बता दिया कि वो मैथ्स टीचर का बेटा है, इसलिए मॉम ने इसे जीनियस समझ के मुझे पढ़ने बैठा दिया, इसलिए मैं नहीं आ सकती। एंग कहता है इसमें मेरी की गलती, अगर मैं नहीं बताता तो तुम्हारी मॉम हमें कपल समझ के मुझे बाहर फेंक देती। बेचारी लिंसी अकेली थी, तभी फर्स्ट नो होने लगती है, तो वो विश मांगने वाली थी, तभी जुनसिंग आ जाता है। वो हैरान थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उसे स्कार्फ पहना के कहता है अब लग रही है तुम अगली पगलैट। वो कहती है मैं अगली नहीं हूँ। स्नो देख वो खुश होती है, क्योंकि बेचारा भाग के जो उसके पास आया था, और कहता है मुझे एक पगलैट के साथ विश मांगनी है, और उसे देखने लगा था। बट नेक्स्ट सीन में दोनों हॉस्पिटल में चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताते हैं जुनसिंग तो ठीक है पर लिंसी को फीवर है। वो कहती है अच्छा हुआ सिर्फ मैं ही बीमार हूँ। डॉक्टर हैरान। जुनसिंग वाज लाइक ये थोड़ी पगलैट है। लिंसी खांस रही थी, तो वो उसे अपनी जैकेट पहना देता है। लिंसी को सपना आता है कि फर्स्ट स्नो पे उसके ब्रदर ने उसे क्यूट से ढक दी है, बट रियल में वो जुनसिंग का हाथ पकड़ के सो रही थी, तो सॉरी बोलती है क्योंकि वही उसे हॉस्पिटल से उठा कर लाया था। तो कहती है मैं तुम्हें रिपे कर दूंगी। वो कहता है तो अभी कर दो, मुझे भी फीवर हो गया। मॉम ने उनके लिए खीर बनाई थी, बट वो तो पत्थर की तरह टूटी नहीं रही थी। तो दोनों कहते हैं हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे, प्लीज आप जॉब पे चले जाइए। लिंसी उसके लिए मेडिसिन लेके आती है, बट वो सो रहा था, तो उसे देखने लगती है और फिर उसके हार्ट पे सिर रख लेती है, तो उसकी धड़कन सुन स्माइल करती है। जुनसिंग उठ जाता है, तो अपना फोन ढूंढने का नाटक करने लगी थी, बट फोन उसी के पास था, तो भाग जाती है। बीमार होने की वजह से लिंसी के लेक्चर में सो गए थे, इसलिए सारे फ्रेंड्स उसे अलग अलग सब्जेक्ट का ट्यूशन देने का डिसाइड करते हैं। पर लिंसी को उनसे ज्यादा आता था, पर वो सैड थी क्योंकि अगर उसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो डैड उसकी हड्डियाँ तोड़ देंगे। जुनसिंग कहता है तो तुम मेरी वाली व्हीलचेयर ले लेना, मैं तुम्हारा ध्यान रख लूंगा। शी वाज लाइक, अबे पगला गया क्या? प्लीज तू ही मुझे पढ़ा दे। एग्जाम का रिजल्ट आता है, लुन्सी सेकंड और जुनसिंग फर्स्ट आया था, तो लिंसी सबका थैंक यू करती है। विंटर वेकेशन पे लिंसी अपने घर जाने वाली थी, वो भी कल, तो जुनसिंग सैड होता है। फिर वो दोनों पानी में पत्थर फेंकते हैं कि किसका पत्थर ज्यादा दूर तक गिरेगा, बट पत्थर फेंकते फेंकते लिंसी से एक्सीडेंटली अपना फोन भी फेंक जाता है। तो वो पानी में कूदने वाली थी बट वो उसे पकड़ लेता है और हंस रहा था, तो वो उसे मारने भागती है। वो कहता है, मैं तुम्हें फोन कैसे करूंगा, तुम्हें मेरा नंबर याद है? वो हाँ करती है। ही वाज लाइक, चलो एक बार ट्राई करो, बट वो उसे हकड़ने लगती है। वो कहता है, मैं नंबर ट्राई करने को बोल रहा था। तो वो एकदम से दूर होती है। लिंसी के अंदर जाते ही सॉन्ग कहती है, मैंने तुम दोनों को गलत समझा, डैड ने मुझे बता दिया उसके ब्रदर ने तुम्हारे छोटे भाई को हार्ट डोनेट किया है, वरना लिंसी जैसी लड़की से तुम कभी फ्रेंडशिप नहीं करते। जिनसिंग समझ आता है लिंसी इसलिए उसके साथ अच्छा बिहेव कर रही थी, तो कहता है, तुमने सही कहा, वो एकदम पगलैट है, सब गड़बड़ कर देती है, वो मुझे पसंद नहीं। ये सुनकर लिंसी का दिल टूट जाता है। मॉर्निंग में जिनसी को मॉम से पता चलता है कि लिंसी बिना उसे बताए ही चली गई। काय लिंसी से मिलने आया था, तो वो उसकी स्कूटी लेके भगा लेता है, पर इतनी धीरे थी तो पैदल ही भागता है। बस स्टॉप पे लिंसी की बस निकल जाती है, बट वो उसे देख नहीं पाता। काय को लगता है जरूर जुनसिंग ने लिंसी के साथ कुछ किया होगा। लिंसी अपने घर पहुंच गई थी, पर डैड खाने से पहले उसका रिपोर्ट कार्ड लेते हैं। वो सेकंड आई थी तभी खाने देते हैं, पर जब वो जुनसिंग के बारे में पूछते हैं तो वो सैड होकर चली जाती है। लिंसी येमिन से तो बहुत बातें कर रही थी, पर जुनसिंग का फोन नहीं उठाती और ना उससे बात करती। एक लड़का एंग से लड़ने लगता है और उसके गुंडे उसे घेर लेते हैं। ह्यूमिन कहती है, मुझे कराटे आते हैं, पर फिर एंग को लेके भागती है। गुंडे उनके पीछे पीछे और उन्हें मारने लगे थे, तभी जुनसिंग आकर सबको धोने लगता है। ह्यूमिन उनपे कोको कोला अटैक कर देती है। एंग दर्द होने का नाटक कर रहा था। जुनसिंग बातों बातों में ह्यूमिन से लिंसी का एड्रेस ले लेता है और फिर लिंसी से मिलने उसके शॉप पे आ जाता है। वो उसे भगाने लगी थी, पर वो उसे गिरते हुए बचा लेता है और डैड उन दोनों को देख लेते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वो जुनसिंग है, तो मॉमडैड उसकी केयर कर रहे थे और उससे उसके छोटे भाई के बारे में पूछते हैं, तो वो उन्हें लूची की फोटो दिखाता है। मॉमडैड को इतना खुश देख लिंसी कंफ्यूज थी। फिर डैड उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं और बास्केटबॉल खेलने वाले थे। लिंसी कहती है, डैड बूढ़े हैं तो उन पे थोड़ा रहम करना, पर डैड तो जुनसिंग को एकदम हरा देते हैं, वो भी एक नहीं बार बार। ही वाज लाइक, तुमने मेरे पोपट बनाया? लिंसी कहती है, डैड ये हम दोनों के साथ मैच करना चाहता है। खेलते टाइम लिंसी के चिल्लाने पे डैड उसे पकड़ लेते हैं और वो गोल कर देती है। इनफैक्ट जब उसका ब्रदर था तब भी वो ऐसे ही करते थे, और कितने दिनों बाद वो इतने खुश हैं। जुनसिंग उसे बताता है कि तुमने पूरी बात नहीं सुनी थी, मैंने सॉन्ग को बताया था। लिंसी जैसी भी है बट वो बहुत काइंड और हार्ड वर्किंग है, इसलिए मैं उससे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इसलिए अच्छा बिहेव करती थी कि मेरे पास तुम्हारे ब्रदर का हार्ट है? वो कहती है, पर तुम्हें कैसे पता? वो कहता है, सच ये है कि मेरे पास नहीं, मेरे छोटे भाई लूची के पास है तुम्हारे ब्रदर का हार्ट। यानी लिंसी को इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। डैड जुनसिंग को मसाज दे रहे थे और जुनसिंग की चीखें फोन पे ह्यूमन सुन लेती है। एंग ह्यूमन को लव वाला कार्ड देता है, बट वो बिना देखे वापस कर देती है। और फिर दोनों लिंसी के घर जाने लगे थे। वो उसके शोल्डर पे सिर रखने वाला था, पर वो उसे नेक पिलो दे देती है। अपने के कांड की वजह से लिंसी को जुनसिंग के आसपास अजीब फील हो रहा था, तो सॉरी बोलती है। जुनसिंग कहता है, अगर हर्ट की बात ना होती तो क्या तुम मुझसे फिर भी फ्रेंडशिप करती? वो कुछ बोलती तभी एंग और ह्यूमन आ जाते हैं। लिंसी जुनसिंग को जाने को बोल रही थी, पर वो दोनों रोक लेते हैं। ये तो सच था कि अगर हर्ट की बात नहीं होती तो उनमें जो सब हुआ वो ना होता, पर जुनसिंग उसे सब कुछ भूल के फिर से फ्रेंडशिप करने को कहता है और वो हाँ कर देती है। विंटर वेकेशन के खत्म होते ही लिंसी ह्यूमन के साथ बैठ जाती है। काय का फ्रेंड बताता है कि फेल होने की वजह से काय रो रहा है, बट ये तो काय का प्लान था लिंसी के सामने रोने का नाटक करने का, और लिंसी को उसे ट्यूशन पढ़ाने को कहता है। सॉन्ग जुनसिंग को लिंसी से उसकी तरफ से सॉरी बोलने को कह देती है, क्योंकि वो फौरन जाने वाली थी, और जाते जाते कहती है, मुझे अब गमी बियर पसंद नहीं। तो जुनसिंग स्माइल करता है क्योंकि वो अभी फ्रेंड्स हैं। क्लास खत्म होते ही काय लिंसी से पढ़ने आ जाता है। जुनसिंग उसका वेट कर रहा था, तो वो बताता है कि लिंसी अब स्कूल डॉर्म में शिफ्ट हो गई है, तो घर जा वरना स्कूल गेट बंद हो जाएंगे। जुनसिंग गुस्से से चला जाता है बट नेक्स्ट डे वहीं बैठा था और वो और काई एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने लगे थे। तो लिंसी गुस्से से चली जाती है और वो दोनों पीछे पीछे। इनफैक्ट जुनसिंग भी बॉयज टॉम में शिफ्ट हो गया था। तो काई उसे चैलेंज कर देता है, अगर मैंने तुझसे ज्यादा स्टडी में प्रोग्रेस की तो तुझे डॉम छोड़ के जाना होगा वरना रह सकता है। वो हाँ कर देता है पर रात में उनके खराटों की वजह से सो नहीं पा रहा था। एंड ये मिन को खाना बाय कराता है तो वो उसे हक कर देती है। काई फिर से जुनसिंग के साथ माइंड क्वेश्चन खेलने को कहने लगा था पर हारने वाले को सजा के मिलेगी, फिंगर फ्लिक तो बोरिंग है। लिंसी कहती है मुझे पता है, और फिर दोनों में से जो भी गलत आंसर देता उसकी मुंडी पे जोर से डस्टर पड़ता। दोनों रो रहे थे पर लिंसी हंस रही थी। तो चौक पाउडर वाले बाल लेके दोनों नहाने जाते हैं पर एक दूसरे पे ठंडा पानी डाल रहे थे और काई बुड़क जाता है। एंग फिर से यमिन का बिल पे करने वाला था बट सारे पैसे तो खत्म हो गए थे। तो दोनों स्कूल में स्नैक्स बेचने का बिजनेस करने का सोचते हैं। मैसेज से बीच में खड़े थे इसलिए आधे स्नैक्स अपने फ्रेंड्स के कपड़ों में छुपाकर अंदर भेज देते हैं और बाकी के खुद लेके जा रहे थे। मैस रोकते हैं पर वो सेल्फ स्टडी का बोलकर भाग जाते हैं और स्नैक्स बेचकर पैसे कमाने लगे थे। एंग यमिन को सारे पैसे देकर कहता है, मेरे डैड भी मेरी मॉम को पैसे देते हैं। वो कहती है, मैं तुम्हारे डैड के पैसे भी संभाल सकती हूँ पर तुम्हारे स्टेप मॉम बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इधर काई का पैर मुड़ गया था और जुनसिंग को फीवर था इसलिए लिंसी जुनसिंग के लिए मेडिसिन लेके आती है पर लंगड़ा काई भी भाग के आ जाता है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। जेलस जुनसिंग खुद काई को उठा के ले जाता है। लिंसी दोनों मरीजों का ध्यान रख रही थी। तो जुनसिंग बताता है कि लूची फौरन से वापस आ गया, मेरे घर चलोगी। वो खुश होती है। टेस्ट में जुनसिंग की काई से ज्यादा स्टडी प्रोग्रेस हुई थी तो काई सैड होता है। लिंसी रुचि को देख बहुत खुश होती है और उसे उसकी फेवरेट कार गिफ्ट करती है पर जुनसिंग उसे डिनर के लिए उठा के ले जाता है। जब वो लिंसी को सर्व करने लगा था तो लूची उसे रोक के खुद सर्व कर देता है और बताता है कि मेरी वांगडोंग से कार रेस है जो मुझे बुली करती है। तभी काई लिंसी को डॉम में ले जाने आ जाता है। जुनसिंग जेलस था। लूची कहता है वो तुमसे ज्यादा हैंडसम है तो जुनसिंग उसे उठा के ले जाता है। रास्ते में लिंसी लूची की तारीफ कर रही थी तो काई कहता है, मेरे भी ग्रैंडपा हैं, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊं। और उसे अपने सीक्रेट रूम में ले जाता है जो स्कूल का बॉयलर रूम है पर पता चलता है वो एक प्लांट को ग्रैंडपा बोल रहा था। लिंसी हैरान थी पर वो बताता है कि मेरे डैड फॉरेन रहते हैं इसलिए मैं प्लांट्स को फैमिली की तरह समझता हूँ। लिंसी जाती जाती बोल देती है कि कहीं गार्ड्स को पता न चल जाए तो पहले चले जाना यहाँ से। नहाते नहाते मैसर का पानी ठंडा हो गया था तो बॉयलर रूम में आके देखते हैं काई ने अपना पूरा घर बसा रखा है और उसके पेरेंट्स को स्कूल बुलाने को कहते हैं बट ही वाज लाइक, मैं अनाथ हूँ। पर सर उसे स्कूल से बाहर फेंकने की वार्निंग दे देते हैं। डैड की सेक्रेटरी बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर हैं। काई को सैड देख फ्रेंड लिंसी को बताता है कि उसके डैड उस पर ध्यान नहीं देते और उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मॉम के बचपन में डेथ हो गई थी। तो लिंसी काई के लिए फेक मॉम ढूंढने का डिसाइड करती है। एंग के डैड तो अपनी वाइफ को एकदम पहचान लेंगे और यमिन की मॉम को एक्टिंग नहीं आती। चैनमो की मॉम बाहर रहती हैं तो सिर्फ जुनसिंग ही हेल्प कर सकता है पर वो काई की हेल्प करने को मना कर देता है। जब लिंसी से बताती है कि काई की मॉम नहीं है तो वो मान जाता है और काई उसके साइकिल पे चढ़ के उसके घर पे आ गया था पर आते ही मॉम को हक कर लेता है। जुनसिंग मॉम को पूरी बात बताता है। काई कहता है, लूची मैं तेरा भाई बनने वाला हूँ। मॉम काई की हेल्प करने को मान जाती हैं तो वो खुश होता है। लूची कहता है, अगर मुझसे भी कभी गलती हो तो मैं भी न्यू मॉम रख सकता हूँ। जुनसिंग वाज लाइक, पहले डैड से पूछ लेना वरना तेरा बैंड बजा देंगे। नेक्स्ट डे जुनसिंग की मॉम काई की मॉम बन के आती हैं। सर काई के सारे कांड की लिस्ट दे रहे थे। मॉम कहती हैं, तुम कैसे स्कूल से बाहर निकालोगे, मैं इसे घर से बाहर निकाल के काम करवाऊंगी। सर कहते हैं, देखिए बच्चे गलती करते हैं पर उन्हें ऐसे बाहर फेंक देना सही नहीं है। मॉम कहती हैं, तुम भी तो इसे स्कूल से बाहर फेंक रहे हो। सर कहते हैं, नहीं तो हम बस इसे सबक सिखा रहे थे। मॉम जाती जाती काई को समझाती हैं तो काई कहता है, क्या मैं कभी कभी आपके घर खाना खाने आ सकता हूँ। मॉम हाँ कर देती है। ये दोनों भाग के आते हैं। लूची की रेस होने वाली थी। लिंसी कहती है, तो ये है वांगडोंग जो तुम्हें बुली करता है। एक बच्ची कहती है, नहीं मैं हूँ वांगडोंग। जुनसिंग कहता है, तू एक लड़की से डर गया। कार रेस स्टार्ट होती है पर वांगडोंग की कार फाउंटेन में गिर जाती है। लूची जुनसिंग को जाने को कहता है तो दोनों पानी रुकते ही फाउंटेन में कार उठाने भागते हैं पर भिक्षाते हैं तो मस्ती करने लगे थे। वांगडोंग उनका थैंक यू करती है। उसकी कार खराब थी तो ल्यूशी ठीक कर देता है और दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। काइल लिंसी को बताता है कि मैं सब दिखने में इंटेलिजेंट है पर निकले एकदम भोंदू, कैसे मैंने उनका पोपट बनाया। लिंसी कहती है धीरे बोलो कहीं पकड़े मत जाना। ही वाज लाइक मैं कौन सा उस भोंदू से डरता हूँ। तभी मैसर को देख हैरान। मैसर को पता चल गया था कि काय है तो बहुत रिच पर उसे कभी भी पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, इसलिए वो उसका नंबर ले लेते हैं ताकि जब भी तुम्हें स्कूल से भागना हो मुझे बता कर जाना। लिंसी जा रही थी तो लूजी उसे अपने रूम में सोने को कहता है पर उसे नींद आ रही थी तो जुनसिंग उसे ले जाता है। स्कूल में सब अपने अपने आइडल बता रहे थे। यमन का आइडल बॉयज बैंड है, लिंसी का आइडल नारुतो और जुनसिंग के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तभी देखते हैं पैसे उड़ रहे हैं तो लिंसी पकड़ने लगती है। इनफैक्ट यमन के सारे कमाए हुए पैसे गिर रहे थे तो सब स्टूडेंट्स पैसे वापस कर चाहते हैं। लाइव कॉन्सर्ट का टिकट बुक करने के लिए यमन जुनसिंग की हेल्प लेती है क्योंकि वो कंप्यूटर में माहिर है पर उसने 10th क्लास में ही प्रोग्रामिंग ग्रुप छोड़ दिया था। लिंसी उससे रीजन पूछती है, वो कहता है बहुत लंबी कहानी है। ऑफर चल रहा था खाने के साथ मिस्टीरियस बॉक्स मिलेगा जिसमें क्यूटो आइस है तो लिंसी को वही एक क्यूटो आई लेना था, इसलिए जुनसिंग को बहुत सारा खाना बाय करना पड़ता है और उन्हें वो टॉय मिल जाता है तो बड़ा खुश होती है। लूची भी वांगपेंग के साथ डेट पर आया था और लिंसी के टॉयस मांगता है, वो देने वाली थी पर जुनसिंग कहता है ये लिंसी को पसंद है तो वो एक उसे दे देती है। जुनसिंग को पता चल जाता है कि जिस लाइव कॉन्सर्ट का यमिन ने टिकट बाय किया है वो फेक है यानी स्कैम, पर उनकी यमिन को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कहीं उसका दिल ना टूट जाए तो पहले उसे इनडायरेक्टली बताते हैं। वो नहीं समझ पाती तो एंग उसे सच बता देता है, टिकट फेक है पर वो विश्वास नहीं करती। क्लास में लाइट चली गई थी तो सब बच्चे खुश होते हैं। एंग लिंसी से सीट एक्सचेंज कर लेता है। जुनसिंग और लिंसी कपड़ा ढक के गाना सुनने लगते हैं। फिर वो उसे बताती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जुनसिंग प्रोग्रामिंग करना चाहता था पर डैड उसे बिजनेस स्कूल में जाने को बोल रहे थे। मैथ सर को देख सब डर जाते हैं। वो यमिन की म्यूजिक बुक छीन लेते हैं। उन दोनों को देख सब हैरान थे पर वो तो पढ़ाई कर रहे थे। सरवास लाइक देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, पर उन्हें क्या पता कि सच क्या है। यमिन का टिकट बुक में था पर सर बुक देने से मना कर देते हैं। अगर तुम्हारे मैथ्स में 80 मार्क्स आए तभी मिलेगी, इसलिए यमिन मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर देती है। सबको नींद आ रही थी और कहते हैं एक दिन पढ़ने से कौन सा मार्क्स आ जाएंगे, कोई नहीं अगले साल लाइव कॉन्सर्ट में चले जाना। यमिन रोने लगती है कि तुम सब अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो तो मेरा ड्रीम मायने नहीं रखता क्या। फिर वो सब यमिन का साथ देने का डिसाइड करते हैं, फिर चाहे टिकट फेक ही क्यों ना हो। काफी मेहनत करके यमिन के 80+ आ जाते हैं तो वो खुश होती है कि कॉन्सर्ट में जाएगी, इसलिए वो सब यमिन के लिए बैंड की प्रैक्टिस कर रहे थे पर उन्हें बैंड बजाना नहीं आता। तो काय कहता है मैं हेल्प कर सकता हूँ और अपने बैंड वाले फ्रेंड्स को ले आता है पर वो इतनी जल्दी सीख नहीं पाएंगे। यमिन खुश होकर कॉन्सर्ट पे जाती है। तब उसे पता चलता है कि कॉन्सर्ट फेक है यानी स्कैम हो गया तो बहुत रोती है, पर देखती है उसके फ्रेंड्स उसके लिए लाइव कॉन्सर्ट कर रहे हैं तो बहुत खुश होती है। बट एंग के पैर से ऑडियो टेप बंद हो जाती है क्योंकि वो बस लिप सिंकिंग कर रहे थे। फिर भी यमिन खुश होकर सबको हक करती है। अब वो सब फाइनल ईयर में आ गए थे। जुनसिंग अपनी मॉम से बात करने आया था कि मैं बिजनेस स्कूल में नहीं जाना चाहता, प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ। मॉम हाँ कर देती हैं, बट फिलहाल उसके डैड से ये बात सीक्रेट रखनी होगी क्योंकि उसे प्रोग्रामिंग करे हुए काफी टाइम हो गया तो इसलिए उसका फ्यूचर रिस्क में है। पर फिर भी वो खुश होकर लिंसी को आइसक्रीम खिलाता है। काय लिंसी को टूर्नामेंट के लिए इन्वाइट करता है पर वो पीछे था तो लिंसी उसे सपोर्ट करती है और वो फर्स्ट आ जाता है तो उसके साथ सेल्फी ले लेता है। इनफैक्ट वो 6 महीनों के लिए ट्रेनिंग पे जाने वाला था और अपना गोल्ड मेडल देके कहता है मैं तुम्हारे लिए एक और गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। जुनसिंग प्रोग्रामिंग क्लास लेने गया था पर सर मना कर देते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पाया था, इसलिए सैड था पर हिम्मत नहीं हारता तो लिंसी उसे ऑल द बेस्ट करती है। अब तो जुनसिंग दिन रात प्रोग्रामिंग पढ़ने में लग जाता है जिसकी वजह से वो क्लास में भी सोता रहता है, यहाँ तक कि लंच में भी। एंग उसे कॉफी देता है पर फिर भी सो रहा था तो सारे फ्रेंड्स सर को मनाने का प्लान बनाते हैं। जुनसिंग सर से चांस मांगने आया था क्योंकि लूची के हार्ट ट्रांसप्लांट की वजह से उसे उस टाइम क्लास छोड़नी पड़ी थी। पर सर फिर भी मना करके जाने लगे थे तो वो सब उन्हें घेर लेते हैं। सर गुस्से में बट वो डेस्क और चेयर भी ले आए थे तो सर को उसे क्वेश्चन देने पड़ते हैं। फिर क्या मेंस टॉयलेट में ही जुनसिंग का टेस्ट होता है। सर कहते हैं मैं इस बारे में सोचूंगा तो सब थोड़ा खुश होते हैं। इधर काय ट्रेनिंग में जाने से पहले लिंसी का वेट कर रहा था और उसे 2 प्लांट्स गिफ्ट कर देता है तो फोन करने को बोलकर चला जाता है। जुनसिंग सैड था। जिमिन और रैंग स्कूल में अपनी शॉप के पैम्पलेट्स बांट रहे थे बट मैथ सर को पता चल जाता है। उन दोनों को बहुत सारे स्नैक्स का ऑर्डर आया था। वो कस्टमर के पास आते हैं बट वहां से मैथ सर निकलते हैं तो भागते भागते ही जुनसिंग और लिंसी को भी स्नैक्स पकड़ा देते हैं। गार्ड्स उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। वो थक गए थे पर फिर भी भाग रहे थे। मैथ सर इन दोनों के पीछे थे तो वो सारे स्टूडेंट्स में स्नैक्स उड़ा देते हैं और स्नैक्स खाते हुए पकड़े जाते हैं। सर उन्हें डीमेरिट देने वाले थे। यिमिन सैड होती है तो एंग कहता है यिमिन की कोई गलती नहीं, सिर्फ मुझे सजा दो। तो वो उसे देखने लगती है। जुनसिंग और लिंजी छुप गए थे तो बच जाते हैं। गुनाह छुपाने के लिए वो सारे स्नैक्स ठूस लेते हैं। जुनसिंग को प्रोग्रामिंग क्लास में चूज कर लिया था तो खुशी के मारे दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं बट फिर नर्वस होते हैं। अच्छे कॉलेज में जाने के लिए सब विंटर कैंप का फॉर्म भर रहे थे पर यून लिंसी को धक्का मार देती है। जब वो रात को सेल्फ स्टडी करके आ रहे थे तब भी वो लिंसी को धक्का मार जाती है। लिंसी को लगता है स्टडी में बिजी होने की वजह से यून से ऐसा हो गया होगा। ईमन एंग को लंच पे इनवाइट करती है तो एंग को लगा वो उसे कन्फेस करने वाली है बट वो तो एंग को उसे मैथ्स पढ़ाने को बोल रही थी ताकि उस कॉलेज में जा सके जहाँ उसका चाइल्डहुड फ्रेंड पढ़ता है। क्योंकि उसका फ्रेंड पे थोड़ा थोड़ा क्रश है तो जेलस एंग कहता है तो उसी से जाकर पढ़ो ना मैथ। लिंसी जुनसिंग को कीबोर्ड गिफ्ट देने का बोल रही थी और यिनसे उसके क्रश के बारे में पूछने लगती है पर पढ़ने का बोलकर यून ने चुप करा देती है। जुनसिंग और लिंसी टेस्ट में पास हो जाते हैं पर यून की मॉम कंप्लेन करती है कि जुनसिंग और लिंसी स्कूल में डेटिंग कर रहे हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अपना कीबोर्ड देख लिंसी कहती है मैं जुनसिंग को कंपटीशन के लिए कीबोर्ड गिफ्ट देने वाली थी क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं, ऐसे तो हम टीचर्स को भी गिफ्ट देते हैं। यून उस पर चिल्ला पड़ती है तो कहती है तुम सिलेक्ट नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं हम पे दोष लगाओगी। तो यून की बोलती बंद। कीबोर्ड सही सलामत था तो वो जुनसिंग को दे देती है। यिमिन चाइल्डहुड फ्रेंड के कॉलेज आने को बोल रही थी तो एंग जेलस होके उससे मुंह फुला लेता है। पर जब वो जा रही थी तो देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो एंग को ठोक डालती है। वो पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। शी वाज लाइक मैं तो तेरी शैडो भी पहचान लूंगी। कॉलेज इंटरव्यू में लिंसी बताती है कि मेडिकल साइंस भले ही हर बार इंसान को नहीं बचा सकती पर इंसान को एक होप तो मिलती है, इसलिए मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। दोनों का इंटरव्यू अच्छा गया था तो खुश होते हैं और कॉलेज घूमते हैं पर कॉस्ट्यूम वालों को देख उनके क्लब में घुस जाते हैं। लिंसी बड़ी टोपी पहन के बहुत उछल रही थी और फिर जुनसिंग का मेकअप करने लगी थी तो वो उसे देखने लगता है। दोनों अपना कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं ताकि पकड़े न जाएं। पर घोस्ट रिंग सुन डर जाते हैं। वहाँ बहुत अजीब सा खाना रखा था, वो भी खा लेते हैं। एक सीनियर उन्हें देख लेती है और पकड़े जाने पे सॉरी बोलते हैं कि हम इस क्लब को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो सीनियर उन्हें माफ कर देती है। लिंसी को फोन कर बताती है कि क्रश की पहले से एक गर्लफ्रेंड है। इनफैक्ट यिमिन ने जब चाइल्डहुड फ्रेंड के कॉलेज पहुंच के उसे कॉल किया था तो वो बहाना मार के फोन काट देता है ये बोलकर कि बड़ी अनोइंग लड़की है। यिमिन रो रही थी कि कोई मुझे लाइक नहीं करता। एंग कहता है मैं लाइक करता हूँ ना। वो हैरान होता है I mean, हम सब फ्रेंड्स तुम्हें लाइक करते हैं, तुम बहुत अच्छी हो, अपने फ्रेंड्स को प्रॉब्लम में देख हमेशा उनकी हेल्प करती हो, मेरे लिए तुम दुनिया की बेस्ट लड़की हो। वो खुश होती है तो उसे झूला झुलाता है। लिंसी ने आंसर गलत कर दिया था तो वो खुद को लकी बोल रही थी तो जुनसिंग उसे अपनी लकी चेन दे देता है। एग्जाम आने वाले थे इसलिए स्टडी का टाइम बढ़ा दिया गया था। यहाँ तक कि नहाने के लिए सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं, वो भी ठंडा पानी, जिससे सिर धोने से यिमिन और लिंसी को कोल्ड हो जाता है। एंग और जुनसिंग उन्हें मेडिसिन ला के देते हैं। सर ने नहाने का टाइम बढ़ाने से मना कर दिया था इसलिए वो चारों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। चैनमो CCTV में गड़बड़ कर देता है, गाओ कीज चुरा लेता है, जुनसिंग आंटी के फोन के टाइम गड़बड़ कर देता है, एंग स्पीकर पे नहाने का बोल देता है तो सब बच्चे जल्दी ही नहाने भाग जाते हैं। मैथ सर एंग को पकड़ लेते हैं और चारों को पनिशमेंट मिलती है। लिंजी और यूमिन को जब पता चलता है तो वो भी भागने लगती हैं, क्योंकि वो भी नहाए थे। और फिर सारे स्टूडेंट्स भागने लगते हैं। आर्ट सर कहते हैं हम भी तो स्कूल टाइम में ऐसे ही कांड करते थे। तो मैथ सर उन्हें नहाने का आधा घंटा देने को बोल देते हैं तो सब बहुत खुश होते हैं। गाओ और चैनमो में फाइट हो जाती है, क्योंकि चैनमो अपने पेरेंट्स के कहने पे उन्हें छोड़कर कॉलेज जा रहा था, इसलिए गाओ चैनमो से गुस्सा था। पर फिर चैनमो का नोट देख उसे याद आता है कि वो कितने अच्छे फ्रेंड्स थे, इसलिए भागता है। चैनमो जा रहा था तो वो सब उसे गिफ्ट देते हैं। गाओ आकर कहता है हम फिर से कॉलेज में मिलेंगे। बिजनेस कॉलेज में जूनसिंग सिलेक्ट हो गया था तो डैड खुश होते हैं, पर वो बोल देता है कि मैं प्रोग्रामिंग करने के लिए जिंगुआ कॉलेज में जाना चाहता हूँ। वो सब एक साथ जिंगुआ कॉलेज जाने का डिसाइड करते हैं। काई की ट्रेनिंग में चोट लग गई थी, वो सैड होता है कि मैं गोल्ड मेडल नहीं ला पाया। जूनसिंग के डैड लिंजी को बताते हैं कि जूनसिंग बिजनेस कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो गया, बट वो फिर भी जिंगुआ कॉलेज में जाना चाहता है, तो तुम उसे समझाओ कि उसका फ्यूचर खराब हो सकता है। लिंजी उसे झूठ बोल देती है कि मैं जिंगुआ कॉलेज में नहीं जाऊंगी। जूनसिंग समझ जाता है कि वो डैड के कहने पे ऐसा बोल रही है। काई अपने टूटे पैर से दौड़ रहा था तो उसे रोकता है, अबे लंगड़ा होना है क्या, और उसे उसकी फटफटिया पे लेक पे लेके आया था। दोनों अपने अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो हार नहीं मानेंगे। लिंजी काई के लिए नकली गोल्ड मेडल बना के लाई थी ताकि वो सैड ना हो। सब बच्चों के कम मार्क्स आए थे, यून के मार्क्स कम आए थे, पर उसकी मॉम चाहती है कि वो जिंगुआ कॉलेज में जाए, इसलिए उसे बहुत सारी मेडिसिन दे देती हैं, पर वो सैड थी। उन्हें एंग का नोट मिलता है कि वो जा रहा है, तो सब परेशान होकर उसे ढूंढने जाते हैं। जूनसिंग लिंजी को गिरते गिरते बचा लेता है, पर उन्हें एंग का शूज पड़ा मिलता है तो यूमिन रोने लगती है कि कहीं एंग को कुछ हो तो नहीं गया। पर एंग को देख एकदम हक कर लेती है कि थैंक गॉड तुम जिंदा हो। वो कहता है अरे मैं सेल्फी ले रहा था तो गलती से मेरे एक शू उड़ गया। तो यूमिन उसे डराने के लिए मारती है। वो कहता है मैं तो यहाँ प्रे करने आया था। और फिर सब एक एक करके स्टोन लॉयन से प्रे करते हैं कि वो सब एक साथ जिंगुआ कॉलेज में जाएं और हमेशा साथ और खुश रहें। बच्चों के टेंशन में उनके मॉम डैड भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहीं आ जाते हैं। ये सब देखते हैं कि यून हिल से कूदने वाली है, क्योंकि उसके मॉम उसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए फोर्स करती है। तो वो सब बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी हमेशा हमें डांटते हैं, और चिल्लाकर अपनी भड़ास निकालने का डिसाइड करते हैं। एंग चिल्लाकर कहता है मैथ सर एक नंबर का लूजर है, हमेशा मुझे पढ़ने को कहता रहता है, अगर तुमने सही से पढ़ा होता तो आज मैं रिच ना होता। ये सुन के मैथ सर गुस्से में, तो बाकी पेरेंट्स उन्हें शांत करते हैं कि चलो बच्चे सही सलामत तो हैं। गाओ चिल्लाता है मॉम आपको लगता है कि बाकी बच्चे मुझसे बेटर हैं और आपको दूसरा बेटा चाहिए, तो उन्हीं की मॉम बन जाओ ना, मैं भी अपने लिए दूसरी मॉम ढूंढ लूंगा। यमन कहती है मॉम आप तो इतनी मस्ती करती हो, तो मुझ पे पढ़ने का हुक्म क्यों चलाती हो। को लगा कि जूनसिंग के मॉम डैड एकदम सही है, पर जूनसिंग कहता है डैड आपने अपनी मर्जी से करियर और वाइफ चूज की, तो मैं अपने लिए कॉलेज भी खुद से चूज क्यों नहीं कर सकता। पर सबके पेरेंट्स सुन रहे थे। वो सब यून को भी अपनी भड़ास निकालने को कहते हैं, तो यून चिल्लाती है मॉम आप अपने ड्रीम्स मुझ पे क्यों थोपती हो, पता है मुझे कितना दर्द होता है, मैं और नहीं सह सकती। और रोती है तो सब उसे चुप कराते हैं। मॉम यून को हक करके कहती है सॉरी मैं तुम्हें बहुत लव करती हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाई में इसलिए फोर्स करती थी ताकि तुम्हें भी मेरी तरह धक्के न खाने पड़े। जूनसिंग के डैड भी उसे अपनी मर्जी से कॉलेज चूज करने को बोल देते हैं तो वो खुश होता है। एग्जाम हो रहे थे पर लिंजी को फोन आता है कि जिसने उसके ब्रदर का एक्सीडेंट किया था उन्होंने डैड को जख्मी कर दिया, तो वो पेपर छोड़ के भाग जाती है। थैंक गॉड डैड का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था और वो बच जाते हैं, बट वो व्हील चेयर पे आ गए थे। लूची और जूनसिंग उनसे घर मिलने आते हैं। लूची को देख मॉम डैड बहुत खुश होते हैं। लिंजी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई थी तो वो सैड थी, क्योंकि बाकी सब फ्रेंड्स जिंगुआ कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो गए थे। तो वो उसके साथ पार्टी करके उसे चीयर अप करते हैं कि हम सब नेक्स्ट ईयर तक तुम्हारा वेट करेंगे। जूनसिंग उसे 1 साल का टाइमर देता है कि तुम्हारा जिंगुआ कॉलेज में वेलकम है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुम मेरी जूनियर बनने के लिए रेडी रहना। और उसे टाइट से हक करके कहता है मुझे फोन करते रहना और अपना ख्याल रखना। तो वो चली जाती है। लिंजी को 12th क्लास रिपीट करनी थी और काई भी फेल हो गया था, तो दोनों ही 12th क्लास में आ गए थे। कॉलेज में गर्ल्स जूनसिंग का नंबर मांगती हैं, पर वो मना कर देता है और कॉस्ट्यूम क्लब के सीनियर को पहचान लेता है, तो एंग जबरदस्ती उसका कॉस्ट्यूम क्लब में नाम लिखवा देता है। लिंजी और जुनसिंग एक दूसरे से फोन पे बात करते रहते हैं। वो बताता है कि एंग और जिमिन डेटिंग कर रहे हैं, चैनमो पढ़ाई में बिजी है और गांव पे गर्ल्स लाइन मारती रहती हैं। वो पूछती है और तुम पे, तो कहता है मेरा तो डायरेक्ट नंबर ही मांगती हैं। लिंजी जेलस होती है तो कहता है डरो मत, मैं किसी को लाइक नहीं करता, सिर्फ अपनी होने वाली मेडिकल जूनियर को ही डेट करूंगा। तो वो खुश होती है। फिर लिंजी जुनसिंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे वीडियो कॉल कर रही थी पर वो नहीं उठाता क्योंकि कॉलेज में कॉस्ट्यूम क्लब के स्टूडेंट्स उसे बर्थडे सरप्राइज देते हैं। काया और लिंजी देखते हैं कि सीनियर ने जुनसिंग के साथ बर्थडे पोस्ट की है तो लिंजी सैड होती है। काया उसे समझाता है कि वैसा कुछ नहीं होगा, ये तो फ्रेंड्स में नॉर्मल है। जुनसिंग से बात करने के लिए लिंजी के पास फोन नहीं था तो काया एक लड़की का फोन लेकर जुनसिंग को मिला के देता है पर सीनियर फ्रॉड कॉल समझ लेती है। लिंजी गुस्से से काट देती है। इनफैक्ट जुनसिंग वॉशरूम गया था तो वो आकर लिंजी को मैसेज करता है पर लिंजी केक खाते खाते रो पड़ती है। ऐसे काफी दिन बीत जाते हैं। लिंजी जुनसिंग से फोन पे बात नहीं कर रही थी तो वो स्कूल में उससे मिलने आता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। वो कहती है मैं बिजी थी। तो वो बताता है कि एंग और जिमिन का ब्रेकअप हो गया और गाँव की गर्लफ्रेंड है पर लिंजी बिना कुछ बोले ही चली जाती है। एग्जाम्स के बाद वो जिंगहो कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो गई थी तो सब फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वो उनकी जूनियर है। काया उसको संभालने के आता है क्योंकि वो भी वहीं के एक स्पोर्ट्स कॉलेज में सिलेक्ट हो गया था। फिर लिंजी गांव की गर्लफ्रेंड यूए से मिलती है। यूए अपनी लव स्टोरी बता रही थी तो युमिन कहती है लिंजी तू कब जुनसिंग को डेट करेगी। लिंजी वाज लाइक किसने कहा, मैं सिर्फ उसे लाइक करती हूँ, किसी और को नहीं कर सकती। जुनसिंग ये सुन सैड होकर चला जाता है। लिंजी बताती है कि अब जुनसिंग मुझे लाइक नहीं करता, सीनियर को लाइक करता है। युमिन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, सीनियर और जुनसिंग सिर्फ ड्रामा की प्रैक्टिस करते हैं। वो भी एंग ने उसका नाम क्लब में लिखवाया था और उसे दिखाने लाती है। सीनियर और जुनसिंग ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे पर उन दोनों को इतना क्लोज देख लिंजी का दिल टूट जाता है क्योंकि ये तो स्क्रिप्ट में भी नहीं था। तो यूनो और लिंजी दोनों डिसाइड करती हैं कि अब वो पिछले वालों को भूल कर नया ढूंढेंगी। एंग सिंगल से मिंगल होने की टिकट बांट रहा था तो युमिन भी 2 टिकट ले लेती है, इसलिए एंग गुस्से में था और जुनसिंग को बताता है कि तेरी वाली भी आएगी। इनफैक्ट एंग डेटिंग कैफे का बिजनेस करता है और कहता है टेंशन मत ले, कोई भी लड़का यमिन को भाव नहीं देने वाला। एक लड़का यमिन पे ट्राई मारने लगता है तो कहता है इनमें ज्यादा टाइम नहीं बनने वाली, बट वो लड़का तो यमिन का नंबर लेने लगा था। तो जेलस एंग कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे पकड़ के ले जाता है। दोनों में लड़ाई होती है। यमिन गुस्सा थी कि एंग पैसे कमाने के चक्कर में उस पर ध्यान ही नहीं देता, बट वो कहता है क्योंकि मैं पैसे कमा के तुम्हारे लिए लाइव कॉन्सर्ट की टिकट बाय करना चाहता हूँ और उसे प्रूफ भी दिखाता है। तो वो सॉरी बोलकर उसे किस करती है। एंग एक और किस मांगता है बट वो सब उसे देख लेते हैं तो वो हंस पड़ते हैं। यमिन को खुश देख लिंजी समझ आती है कि उसकी बात बन गई। एक लड़का पियानो बजा रहा था, उसका नाम शैन है, जो कॉलेज का 1 नंबर का प्ले बॉय है, यानी हर लड़की पे ट्राई मारता है। तो इस बार वो लिंजी पे ट्राई मारने लगता है। जेलस जुनसिंग उसे रोकने वाला था बट एक लड़की उसे घेर लेती है जो उसके ड्रामा क्लब की फैन गर्ल है। शैन लिंजी को ड्रिंक पिला देता है तो जुनसिंग गुस्से से शैन को ड्रिंक पिला देता है पर लिंजी बेहोश होने वाली थी तो शैन से पहले ही वो खुद लिंजी को पकड़ लेता है। जब वो उसे टांग के लेके जा रहा था तो लिंजी उससे गुस्सा होने लगती है कि तुम झूठे हो, तुमने कहा था तुम 1 साल तक मेरा वेट करोगे पर तुमने मुझे धोखा दिया। वो कहता है ये सच नहीं है, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा वेट करता रहा पर तुम मुझे इग्नोर करती रही, जबकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लिंजी कहती है पर मैं अब तुम्हें लाइक नहीं करती और उसकी लकी चेन उतार के वापस कर देती है। जुनसिंग सैड था और जुनसिंग लिंजी को फिर भी टांग के गर्ल्स टॉम में छोड़कर आता है। शैन की वजह से लिंजी टली हुई थी तो काई शैन को सबक सिखाने वाला था पर जुनसिंग उसे रोक के शैन से लड़की बनकर चैटिंग करता है और शैन भी उस पर लाइन मार रहा था, प्ले बॉय कहीं का। लिंजी को लगता है कि उसकी चेन खो गई। जुनसिंग उसे शैन की सच्चाई बताने चाहता है पर वो नहीं सुनती तो वो उसके पीछे पीछे लिंजी की क्लास में आ जाता है। तो लिंजी उसे फंसवा देती है जिससे बेचारे को कपड़े निकाल कर उनका स्टडी मॉडल बनना पड़ता है। वो हंस रही थी और उसकी फोटो खींच लेती है। सीनियर जुनसिंग को रोमांटिक लाइंस बोल रही थी। लिंजी सैड बट वो तो प्रैक्टिस कर रही थी। लिंजी शैन से ड्राइविंग पे डिस्काउंट के लिए बात कर रही थी बट जुनसिंग रात वाली चैटिंग दिखाकर शैन को भगा देता है। एंग ने मिस्ट्री मूवी देखने से पहले ही मर्डर का नाम बता दिया था तो यमिन एंग से ब्रेकअप कर लेती है और दोनों अपनी अपनी तरफ से लिंसी और जुनसिंग को बात करने भेजते हैं, बट उनमें और झगड़ा हो जाता है। लिंसी जब ड्राइविंग सीखने चाहती है तो जुनसिंग उसके पीछे पीछे, पर वो इतनी बुरी तरह से गाड़ी चला रही थी। देन ही वाज लाइक, आज बस जान बच जाए। लिंसी को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, बट जुनसिंग बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लिंसी कहती है, झूठ मत बोलो, तुम तो सीनियर को लाइक करते हो ना। तो जुनसिंग उसे दिखाता है कि सीनियर अपने बॉयफ्रेंड के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। तो सब बहुत खुश होते हैं, यानी उनके बीच बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उनमें पैचअप हो जाता है। पर काई ये देख सैड होता है। नेक्स्ट डे से वो दोनों डेटिंग करने लगते हैं और खूब मस्ती करते हैं। जब वो सीपीआर की प्रैक्टिस कर रही थी तो वो कहता है, जल्दी से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दो ना। शी वाज लाइक, नो वे। फिर वो दोनों रोमांटिक पिकनिक पे जाने लगे थे, बट उनके सारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। फ्रेंड्स टॉक्ड और वो दोनों शॉक्ड। तो वो दोनों टीम बनाकर केले होने का प्लान करते हैं, बट ये मिन लिंसी के साथ टीम बना लेती है और एंग जुनसिंग को ले जाता है। वो दोनों फिर से प्लान करते हैं। लिंसी से झूठ बोल देती है कि एंग पहाड़ी से गिर गया, तो येमिन भागती है और जुनसिंग एंग को ये बोल देता है कि येमिन को सांप ने काट लिया, तो एंग भागता है। यानी वो दोनों एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं और उनमें पैचअप हो जाता है। लिंसी को क्लोज देख जुनसिंग उससे किस करने लगा था, बट सब उन्हें देख रहे थे। जुनसिंग गुस्से में कि किस हाथ से निकल गया। लिंसी का अभी तक फर्स्ट किस नहीं हुआ था, तो येमिन और यूएस की हेल्प करने लगती हैं। फिर वो सब टीम बनाकर बोट रेस करते हैं। लिंसी के छोड़ देख जुनसिंग उसके बैंडेज लगाने लगा था और इतना क्लोज होने से किस करने वाला था, पर गाओ और यूए की बोट पलट जाती है। यूए और एंड बीमार होने का नाटक करते हैं ताकि उनके पार्टनर्स उनकी केयर करते रहे। रात में जब सब सो रहे थे तो जुनसिंग लिंसी के फोरहेड पे किस कर देता है, पर दोनों को ही रात भर नींद नहीं आती। इसलिए मॉर्निंग में लिंसी जुनसिंग को किस कर देती है, तो दोनों किस करने लगते हैं। और फिर सब फोटोज खिंचवा रहे थे तो उसे फोन आता है कि लूची बीमार है। इनफैक्ट लूची को फीवर हो गया था, बट मॉम बहुत परेशान थी। मॉर्निंग में उन दोनों को साथ में सोता देख लूची हैरान। जुनसिंग एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहता था जिससे लूची की हेल्थी होने का पता चल सके, लाइक उसकी हार्ट रेट और टेम्परेचर। कॉलेज में प्रोजेक्ट कंपटीशन होने वाला था जिसमें जीतने वाले को प्राइस मिलेगा, यानी एक अच्छा चांस है। तो वो प्रोफेसर चैन से मिलने जाते हैं जो इस सब में बहुत माहिर हैं, बट वो उन्हें भगा देते हैं क्योंकि प्राइस जीतने के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे उनके पास आते रहते हैं, बट वो बार बार प्रोफेसर को खाना देते हैं और गिफ्ट देने आते हैं। एक बार प्रोफेसर के घर में पानी भर गया था तो वो सफाई करने में उनकी हेल्प करते हैं, जिससे उनका दिल पिघल गया था। तो वो उनका डिवाइस बनाने में हेल्प करने के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि जुनसिंग लूची के लिए स्मार्ट वॉच बनाना चाहता था, ना कि प्राइस के लिए। लिंसी जुनसिंग के चेस्ट पे सिर रख के उसकी हार्ट बीट सुन रही थी, तो वो खुश होता है। फिर वो स्मार्ट वॉच की टेस्टिंग के लिए सब फ्रेंड्स को एक एक वॉच दे देते हैं और फिर सब झूला झूलते हैं ताकि हार्ट बीट चेक कर सके। एंग की तो झूला झूलते टाइम बुरी हालत हो गई थी। बारिश होने लगी थी तो सब अपने अपने वाली को लेके भागते हैं। एंग ह्यूमन के लिए अम्ब्रेला लेने गया था। ही किंग बस से जा रहा था, इसलिए वो ह्यूमन को अपना अम्ब्रेला दे जाता है, बट ह्यूमन की वॉच में हार्ट बीट फास्ट देख एंग सैड होता है। यूए गाओ से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि गाओ यूए से ज्यादा चैनमो की फिक्र करता है। उन दोनों को कहीं सवारी नहीं मिल रही थी, तो उन दोनों को वहीं होटल रूम में रुकना पड़ता है, पर एक ही रूम अवेलेबल था, वो भी सिंगल बेड। जुनसिंग कहता है, तुम नहा लो। वो हैरान तो कहता है, आई मीन तुम भीग गई हो ना इसलिए, पर वॉशरूम का गेट नहीं था तो वो बाहर चला जाता है। फिर रात में सोफे पे जुनसिंग को नींद नहीं आ रही थी। वो पिलो उठाने लगता है पर एक्सीडेंटली लिंसी के ऊपर गिर जाता है। लिंसी नर्वस तो दूर होता है, बट लिंसी की हार्ट बीट बढ़ने लगी थी तो वो हंस पड़ता है। जुनसिंग के स्टार्टअप के लिए सब फ्रेंड्स मिलकर टीम बना लेते हैं। ही किंग को यूमिन के साथ देख एंग जेलस हो रहा था, तो इस बात को लेकर यूमिन और एंग में झगड़ा हो जाता है। एक वेटर गलती से लिंसी के डॉक्यूमेंट को कूड़े में फेंक देती है, तो वो दोनों भागते हैं और आखिर कूड़ा गाड़ी से डॉक्यूमेंट मिल जाता है। लिंसी इतना थक गई थी तो वो उसे स्नैक्स ला कर देता है। गोल्ड मेडल मिलने के बाद काई लिंसी का वेट कर रहा था। वो जुनसिंग के पास जा रही थी तो वो उसे खींच के छत पे ले आता है और उसे गोल्ड मेडल पहनाकर कन्फेस कर देता है। पर वो ये भी जानता है कि लिंसी जुनसिंग को लाइक करती है, तो वो दोनों हमेशा फ्रेंड्स बने रहने का डिसाइड करते हैं। जिमिन और एंग में अनबन चल रही थी और गाओ और चैनमो भी अपने काम में बिजी थे, इसलिए जुनसिंग टीम तोड़ देता है ताकि उसकी वजह से बाकी सब डिस्टर्ब ना हो। लिंजी उसे हक कर कहती है पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तो सब फ्रेंड्स टीम के लिए आ जाते हैं और वो सिलेक्ट हो गए थे तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब स्टार्टअप के लिए उन्हें उनका खुद का ऑफिस मिल गया था। जुनसिंग जेलस था क्योंकि लिंजी ने एक एक्टर को हैंडसम बोल दिया था, तो वो उसे किस करके मनाती है और दोनों किस करने लगते हैं। जिमिन ने एंग के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया था तो गिफ्ट लेने जाती है, पर ही किंग जिमिन को बोल रहा था कि मुझे जॉब का ऑफर आया है तो तुम मेरे साथ चलोगी। एंग सैड होता है और जिमिन से ब्रेकअप कर लेता है तो वो रोती रह जाती है। इनफैक्ट जिमिन ने ही किंग को मना कर दिया था क्योंकि वो एंग को लाइक करती है जो एंग ने सुना ही नहीं, और वो रोता हुआ लाइव कॉन्सर्ट की टिकट फेंक जाता है क्योंकि पहले उसने जिमिन को लाइव कॉन्सर्ट पे ही कन्फेस किया था और उसने भी उसे किस करके हाँ कर दिया था। वो सब मिलकर स्मार्ट वॉच का प्रोजेक्ट बना रहे थे पर शैन उनकी फाइल कॉपी कर लेता है जिससे जुनसिंग के टीम पे प्लेगरिज्म का इल्जाम लग जाता है। ऊपर से शैन उन्हें छुड़ा रहा था तो जुनसिंग उसे धो डालता है और उनमें फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उन्हें खुद को निर्दोष साबित करना था इसलिए वो सब डाटा कलेक्ट करके जज को सेंड कर देते हैं जिससे पता चल जाता है कि शैन ने जुनसिंग के प्रोजेक्ट प्लेगरिज्म किया था, तो सब बहुत खुश होते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही जुनसिंग अपनी कंपनी स्टार्ट करता है और एंग भी उसके साथ काम करता है। जिमिन जॉब करती है पर वो दोनों अब भी एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। चैनमो और गाओ फॉरेन चले गए थे। लिंजी डॉक्टर बन गई थी जबकि बाहर सीईओ बैठा उसका वेट कर रहा था क्योंकि डॉक्टर बहुत बिजी जो रहते हैं। जुनसिंग उसे लिंजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने लाया था पर वो थक के सो गई थी। सब फ्रेंड्स को स्कूल मीट का लेटर मिलता है तो वो सब स्कूल जाने का डिसाइड करते हैं। जुनसिंग और लिंजिंग स्कूल आकर देखते हैं कि अभी तक वहाँ कोई भी नहीं आया। तभी बैलून्स उड़ने लगे थे और स्टार्स वाले ग्लास भी रखे थे। बिल्कुल वैसे सब कुछ हो रहा था जैसे स्टार्टिंग में लिंजी ने जुनसिंग का फ्रेंड बनने के लिए किया था। वो हैरान कि कहीं अब मैं सर की हेयर विक तो नहीं हटानी पड़ेगी। जुनसिंग कहता है नहीं अब तुम अपनी आईज बंद करो और जादू से स्कूल टाइम में वापस जा सकती हो। वो लिंजी की आईज कवर करके चला जाता है तो सब लोग स्टूडेंट्स बन के आ जाते हैं और जुनसिंग भी। फिर वो लिंजी को शादी के लिए प्रपोज करता है तो वो भी हाँ कर देती है। सब खुश थे पर एंग और यमिन में ऑकवर्डनेस थी। बॉयज बताते हैं कि एंग तो स्कूल टाइम से ही यमिन से शादी करना चाहता था। यमिन ने एंग को टल्ली समझ के बोल देती है कि मैं भी तुम्हें स्कूल टाइम से लाइक करती हूँ। फिर जुनसिंग और लिंजी की शादी होने लगती है तो काई भी उन्हें कांग्रेचुलेशन करने आता है और वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाकर किस करते हैं और बहुत खुश थे। सब फ्रेंड्स देखते हैं कि वो दोनों गायब क्योंकि जुनसिंग अपनी ब्राइड को लेके भाग गया था ताकि बिना डिस्टर्ब हुए वेडिंग नाइट स्पेंड कर सके। गाओ और चैनमो के जाने के बाद यमिन भी जाने लगती है तो एंग उसे आवाज मार कहता है हमें फिर से डेटिंग स्टार्ट करनी चाहिए और वो भी हाँ कर देती है। इधर ये दोनों हनीमून पे आए थे। लिंजी कहती है चलो शादी के बाद वाला काम करे। जुनसिंग एक्साइटेड था बट वो तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बना रही थी कि कौन शादी के बाद बर्तन धोएगा और कौन खाना बनाएगा और कौन कपड़े धोएगा। फिर वो कहती है शादी के बाद भी सब कुछ सेम सा ही है, कुछ डिफरेंट तो है ही नहीं। जुनसिंग कहता है डिफरेंस और उसे उठा के ले जाने लगा था पर वो ठुक जाती है और दोनों हंस पड़ते हैं तो लिंजी से पकड़ के वैन में ले जाती है। मॉर्निंग में दोनों कपल्स की तरह कर्डलिंग और किस कर रहे थे। उन दोनों के पेरेंट्स उन्हें जल्दी से बेबी करने को कहते हैं ताकि वो जल्दी से ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बन सके। लूची कहता है हाँ जल्दी करो मुझे भी अंकल बनना है। तो सब खुश होते हैं। जब वो दोनों क्यूट बच्चों की वीडियो देख रहे थे वो कहता है हमारी बेटी भी क्यूट होगी। वो कहती है पर हमारी तो बेटी नहीं है। ही वाज लाइक जल्दी आने वाली है और दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जुनसिंग जब सोते हुए लिंजी को किस करने लगा था तभी क्यूट सा बेबी आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। जुनसिंग वाज लाइक तुम इसे अंदर रख के मुझे बेटी दे दो ना। वो कहती है अगर चाहिए तो खुद ही बना लो। एंग ने यमिन को डायमंड रिंग दी थी तो जुनसिंग उसे डायमंड रिंग देने को हाँ कर देता है। उन दोनों ने पीछे के एग खा लिए थे तो बेबी डैड को मारने लगता है। यानी लिंजी जुनसिंग और अपने बेबी के साथ बहुत खुश है और साथ में हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।